नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह भागदौड़ रहती है तो हमें समझ में नहीं आता कि रोज रोज डिफरेंट क्या नाश्ता बनाएं। तो सिर्फ 5 मिनट में हम इस हेल्दी एगलेस आमलेट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे हम सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर कभी भी बना सकते हैं। बच्चों के टिफिन में भी बनाकर आसानी से दिया जा सकता है। बहुत ही टेस्टी लगता है। प्लीज एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे रेसिपी मेरी तो ही लाइक कीजिएगा। तो आइए इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाना शुरू करते हैं। एगलेस आमलेट बनाने के लिए एक छोटी कटोरी मैंने बेसन लिया है और 1/3 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है। दोनों को मैंने छान कर लिया है। छोटे साइज की प्याज थी उसे आधी प्याज ली है, उसे बारीक कट करके रखा है। 2 हरी मिर्च और 1 टेबल स्पून धनिया पत्ती। मैंने लौकी का जूस बनाया था तो छानने के बाद में ऊपर जो उसका छूंदा बच जाता है वो भी मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और आधी गाजर है उसे भी मैंने कद्दूकस करके रखा है। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एगलेस ऑमलेट बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट। सबसे पहले एक बाउल में हम बेसन डाल लेंगे, गेहूं का आटा डाल लेंगे। अब गेहूं के आटे के बदले मैदा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे हेल्दी बनाने वाली हूँ इसलिए मैं इसमें मैदा के बदले आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गाढ़ा सा इसका अभी पेस्ट बना के तैयार किया है। अब इसमें हम हमारे जो लौकी का छूंदा है उसे डाल दे रहे हैं। कद्दूकस करी हुई गाजर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया जो हमने लिया था वो भी हम इसी में डाल देंगे। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे। मैं 1/3 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सारी चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजों को डालकर मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी हमारा बेटर गाढ़ा है, बजिए के घोल टाइप का है, तो हमें इसे और भी थोड़ा पतला करना है, जैसे कि हम चीले बनाते हैं उस तरह से। तो थोड़ा सा पानी और इसमें हमने डालूंगी और इसे और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हम जिस तरह से चीले बनाते हैं हमें उस तरह से ये थोड़ा सा पतला चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस पर भी तवा गर्म होने के लिए रख देते हैं। नॉन स्टिक तवा लेंगे तो ज्यादा अच्छे से बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेटर पतला हो गया है, भजिया जैसा नहीं है। अब ये जो हम चीले बनाते हैं उस तरह का एकदम पतला हो गया है। इसको और थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें 2 पिंच बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं शुरू में बताना भूल गई थी, लेकिन इससे हमारे जो ऑमलेट है ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट बनेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाल देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बस इस तरह से, और जो हमारा बैटर है वो हम इस पर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम पर ही रखेंगे। लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार होता है। इसे हम सुबह ब्रेकफास्ट में, शाम की चाय के समय या बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है। और एगलेस ऑमलेट है बिल्कुल जैसा ही इसका दिखने में ऑमलेट जैसा है, लेकिन टेस्ट बहुत ही बढ़िया चीले जैसा। मीडियम फ्लेम पर इसे हम 2-3 मिनट अच्छे से पकने देते हैं, फिर पलटेंगे। 2-3 मिनट हमने इसे अच्छे से सिक जाने दिया है। अब ये नीचे से थोड़ा सा कड़ा हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम इसे पलट देंगे। सॉफ्ट बना है क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, तो थोड़ा ध्यान से पलटे। देखिए कितना बढ़िया हमारा ऑमलेट बनकर तैयार हो गया है, कोई इसे कह भी नहीं पाएगा।
कि हमने इसमें अंडा नहीं डाला है और खाने में वेज है। नीचे से भी एक दो मिनट अच्छे से हम इसकी सिकाई कर लेते हैं। दो मिनट हमने इसे नीचे से भी अच्छे से सेक लिया है। मैं आपको इसे पलट कर दिखा देती हूँ। देखिए कितना बढ़िया हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हुआ है। इसमें लौकी, गाजर, गेहूं का आटा, सारी चीजें बहुत अच्छी डली है। तो हमारा ये बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट वो सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ऑमलेट को प्लेट में निकाल लिया है। कितना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। मैंने इसे टोमेटो सॉस और नींबू की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। निश्चित रूप से आप भी अगर घर पर इस तरह से इस हेल्दी ब्रेकफास्ट को बनाएंगे तो आपके घर में भी सभी इसे बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा और ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।